हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ यम्मी गाजर का हलवा। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। तो गाजर को मैंने अच्छी तरह से वाश करके कद्दूकस कर लिया है, और फिर मैंने लिया है दूध, जिसे अच्छे तरह से उबाल लिया है। मलाई वाली दूध लिया है मैंने। इसके बाद मैंने लिया है चीनी। चीनी की जितनी ज़रूरत होगी उतना ही ऐड करेंगे। तो चलिए अब गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी भी गर्म हो चुका है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। ये देखिए सारा डाल देंगे इसमें। तो गाजर को कढ़ाई में डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे। जितना देर तक फ्राई करेंगे उतना अच्छा ही इसका टेस्ट आएगा। सर्दी का मौसम चल रहा है और सबके यहाँ गाजर का हलवा लगभग बनता ही है। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई वाला दूध। ये देखिए मैं 3 ग्लास दूध इसमें डालूँगी। तो 3 ग्लास दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए दूध डालने के बाद ये कितना यम्मी दिख रहा है। और जब तक अब दूध पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक इसे पकाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसे। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा पक रहा है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में सबके घरों में तो गाजर का हलवा बनता ही है, क्योंकि सर्दियों में हम लोग को गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ किशमिश। आप लोग कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा पकाने के बाद दूध पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, ये देखिए, और हलवा कुछ इस स्टेज पे आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार, जितना आपको मीठा पसंद हो उसी हिसाब से डालें। मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा चीनी ऐड की हूँ। ये देखिए चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसे 10 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो चीनी का पानी जो इसमें निकला हुआ है वो भी ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। दस मिनट तक और पकाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, फाइनली 10 मिनट पकाने के बाद हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से, और मैंने इसमें किशमिश भी ऐड किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। मुझे किशमिश पसंद है तो मैंने किशमिश डाला है इसमें। ये देखिए हमारा हलवा कितना टेस्टी दिख रहा है, और सर्दियों में एक बार गाजर का हलवा बनाना तो बनता ही है। तो बाउल में मैंने निकाल लिया है गाजर का हलवा। आइए आप लोग भी खा लीजिए, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।